जोरदार तरीके से राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। लगातार कारीगर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद अब मंदिर निर्माण का असर भी दिखने लगा है। इसी बीच अब खबर है कि अयोध्या में रामलला के मंदिर का जलाभिषेक किया जाएगा। इस जलाभिषेक के लिए 155 देशों समेत 7 महाद्वीपों की नदियों और समुद्रों का जल भारत लाया गया है। इस पवित्र जल को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर पर रखा गया है। पवित्र जलों को एक तांबे के लोटे में रखा गया है और इसे पीले रंग के राम राम लिखे हुए कपड़े पर पैक किया गया है। इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 155 देशों से पावन जल लाया गया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक है। मैं विजय जोली और उनके सहयोगियों को इस कार्य के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। लाया है ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। मैं विजय जौली जी को और उनके सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बता दें कि रामलला के मंदिर में 23 अप्रैल को जलाभिषेक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में एक वीडियो फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 20 से अधिक देशों के सहयोगी और दोस्त शामिल होंगे। इसके अलावा कई देशों के राजनयिक भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या आएंगे। इतना ही नहीं, राम मंदिर के जलाभिषेक के लिए पाकिस्तान और चीन से भी जल लाया गया है। पाकिस्तान की पवित्र रावी नदी से रामलला के पवित्र मंदिर के जलाभिषेक के लिए जल लाया गया है। हालांकि इसे लाना आसान नहीं था। पाकिस्तान से पहले ही जल दुबई भेजा गया और फिर वहां से इसे भारत लाया गया। अब इस भक्तों को 23 अप्रैल का इंतजार है, जब रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा, क्योंकि इसकी तैयारियां काफी दिनों से की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।